गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल पैंथेरियम में। आज वीडियो में हम बात करेंगे युगांडा में इस कबड्डी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले। ये जो मैच खेला जाएगा सार्क वर्सेस रैंडम फाइटर्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो थर्ड सेमीफाइनल मैच है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है क्योंकि आपको मिलने वाला है फुली डीपली एनालिसिस। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाला है फुली डीपली एनालिसिस। गाइस बात करते हैं दोनों टीम के बीच जो अभी तक ये युगांडा में इस कबड्डी की जो क्वालिफायर टीम सब जो है एसटीपी जो एक नंबर पे है वो ये फाइनल में पहुंच चुकी है और रैंडम फाइटर्स भी अभी की मैच जीत के आ रही है। वहीं बात करते हैं आपको जेएसबी की भी टीम थर्ड नंबर पे है और सार्क की टीम। तो अभी जो मैच खेला जाएगा ये मैच आपको रहने वाले सार्क वर्सेस रैंडम फाइटर्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। गाइस बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की बात कर लेते हैं तो सार्क ने दो मैचेस जीते हुए, तीन मैचेस रैंडम फाइटर्स ने जीते हुए। रिसेंट के फॉर्म की बात करें तो रिसेंट में चार मैचेस जीत के आ रही लगातार रैंडम फाइटर्स और एक मैच लॉस करके आ रही है। सार्क की टीम की बात करें पाँच मैच में एक मैच जीती हुई, चार मैच इनका लॉस रहा है। आज की जो स्टार्टिंग प्लेयर्स रहने वाली दोनों टीम की उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं तो सार्क की तरफ से आज के मैच को जो स्टार्ट करेंगे जे नमोटे स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, पास्कल ओल्डन जो स्टार्ट करेंगे, सेलुमन वसवा स्टार्ट करेंगे और मोसेस बिंकोटा स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और मोसेस सिकोनी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और एम वकेंडा स्टार्ट करेंगे। गाइस बात करते हैं फिर आपको अकी शांति भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे सार्क की टीम की तरफ से। बात करते हैं आपको गाइस रैंडम फाइटर्स की तरफ से आज के मैच को जो स्टार्ट करने वाले हैं रिचर्ड ओकुड जो स्टार्ट करेंगे और एकल्स वैसी की बात करें ये भी स्टार्ट करेंगे आज के मैच को। पैट्रिक मोहाजी की बात करें स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और रोनाल्डो टुलासी की बात करें स्टार्ट करेंगे। जोल मोचारी भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। जोरन बशुआ की बात करें स्टार्ट करेंगे और सैम क्यूमोली भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं जो आज के मैच में किस प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करने हैं और ड्रॉप करने हैं उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने डिफेंडर सेक्शन में बात कर लेते हैं सार्क के टीम की तरफ से आज के मैच को जो स्टार्ट करें एम विंगोटा जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि राइट कॉर्नर को कवर करते हुए नजर आते हैं तो अपने टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। और जे मटूटे भी अच्छे ऑप्शन है बट ये आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे और कम टाइम इनको मिलेगा क्योंकि थर्ड प्लेस के लिए ये सेमीफाइनल मैचेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको थोड़ा सा कम टाइम मिल सकता है। तो आप एम विन कोटे के साथ जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शंस की बात करते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शंस में आपको एम वागंडा दिख जाएंगे, ये अच्छे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं और अच्छे ऑलराउंडर है। आपका टैकल और रिबाउंड्स टैकल्स और ये इनका टच पॉइंट्स भी बेहतरीन है, रेट्स करते हुए नजर आएंगे, अटैकिंग प्ले करते हैं हर मैच में, इनका परफॉर्मेंस इस सीजन्स में बेहतरीन रहा है, अपने टीम में इनको मस्ट पिक कर सकते हो। रेडर्स सेक्शन से बात कर लेते तो रेडर्स सेक्शन में आपको दिख जाएंगे एम अकी शांति दिख जाएंगे, ये स्टार्ट करेंगे, ये भी अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं बट आप इनके सार्क की तरफ से तीन प्लेयर्स को पिक कर सकते हो, अकी शांति के भी साथ जा सकते हो। बात करते हैं सेकेंड जो आप रैंडम फाइटर्स की तरफ से आज के मैच में जो डिफेंडर सेक्शन में पिक करने स्टार्ट करने वाले हैं आर ओक्रोट जो स्टार्ट करेंगे, अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, राइट कॉर्नर को कवर करेंगे। और गाइस बात करते हैं जो सेकंड जो आपको ऑकरोट को जो बैकअप करते हुए नजर आएंगे पी मोहाजी जो बैकअप करते हुए नजर आएंगे तो अच्छे ऑप्शंस ये भी आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि ये भी आपको लेफ्ट कॉर्नर को कवर करते हुए नजर आएंगे। ये अवैसी गिरी आपको ये दोनों को बैकअप करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर को ये भी कवर करते हैं तो इनको आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो अपने एस एल टीम में। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में जे मचारी अच्छे ऑप्शन है, आप इनके साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जा सकते हो क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। और आपके लिए बुकानिया हैं तो बुकानिया सब्स्टिट्यूशन से प्ले करते हैं, इनको ड्रॉप करके चलना। गाइस बात करते हैं रेडर सेक्शन में तो रेडर सेक्शन में आपको जी कैम्बे सब्स्टिट्यूशन से प्ले करते हुए नजर आएंगे तो इनको ड्रॉप करके चलना। और गाइस बात करते हैं एस कुमेली तो कुमेली भी अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के टीम जो हमारी आने वाली है वो फाइनल टीम आएगी गाइस हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर आएगी जहाँ पर मिलती है आपको फाइनल एस एल टीम, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको विनिंग की रेशियो काफ़ी अच्छी रहेगी जो हमारी कबड्डी में रहती है, आप बेहतरीन ऑप्शंस रहेंगे और आप अपने टीम में इनको आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हमारी फाइनल एसएल टीम आने वाली है। सर्च कर सकते हो @panther11abc और ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल जहां पे आने वाली है फाइनल एसएल टीम, या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी जाएंगे। और गाइज आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज, और आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल के पेज से भी डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आने वाली हो फाइनल एसएल टीम। अब गाइस बात कर लेते हैं सेट टीम प्रीव्यू जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं, तो सेट टीम प्रीव्यू में आप देख सकते हैं मैंने डिफेंडर सेक्शन से तीन प्लेयर्स को लिया हुआ है, आर ओक्रोट को लिया जो राइट कॉर्नर को कवर करते हैं और लेफ्ट कॉर्नर को कवर करते हैं पी मोहाजी जो अच्छे ऑप्शन है आपके लिए दोनों
दोनों मेन प्लेयर्स जो है मैंने अपने टीम में पिक कर लिया हुआ है, जो रैंडम फाइटर्स की तरफ से रहने वाले हैं। और आपको सार की तरफ से जो एम विंग कोटा रहने वाले हैं, ये अच्छे ऑप्शन आपके लिए है। बट आप जो ऑलराउंडर सेक्शन में भी जो लेने वाले हैं, वो जेम मचाली जो आपको कैप्टन्स रहेंगे अपने टीम में, इनको मस्ट पिक करना और कैप्टन से ही जाना, क्योंकि आज के सबके यूनिवर्सल कैप्टन रहने वाला है। एम विंग कोटा की बात करें तो एम विंग कोटा भी अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, इनके साथ चले जाना। गाइस बात करते हैं रेडर सेक्शन में, आपको एस की मूली भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इनके साथ आप चले जाना, क्योंकि बेहतरीन ये रेडर्स है अपनी टीम में, इनको मस्ट पिक कर सकते हो। वही बात करते हैं एम अकी शांति की, तो एम अकी शांति भी अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ट्राई कर सकते हो, इनको बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रहेगा, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो, क्योंकि अच्छे रेडर्स हैं तो इनके साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। और गाइज आपने ये हमारी सेट टीम आप सेट करके रखना, फाइनल टीम गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।